याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा।